फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है और स्पेसिफिकली जब बच्चे की नाक बहने लगती है और मौसम भी ऐसा चल रहा है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मेडिकेशन है जो हम दे सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहे। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है कि बच्चे को एलर्जी जैसा हो जाता है, बच्चे की नाक बहनी शुरू हो जाती है या बच्चे को कोल्ड फील होने लग जाता है, आपको लगता है कि बच्चे के यहाँ कुछ जमा जमा सा लग रहा है, नाक से आवाज आ रही है। तो हम उन केसेस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल सीजन भी इस तरह का चल रहा है तो हमेशा पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजन है तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। छोटा बच्चा है, हर टाइम सॉक्स नहीं पहनता है, सही से कपड़े नहीं पहनता है या हमेशा ढका हुआ भी नहीं रहता है, कैप वगैरह आप उसके लगाती हैं, टोपी पहनाती हैं, वो भी हटा देता है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इन चीजों में मैं बोलूंगी कि अगर बच्चे को बुखार है तो आप बच्चे को पैरासिटामोल दे दीजिए, ठीक है। डोज जो है जो आपके पीडियाट्रिशियन ने, जो आपके डॉक्टर ने बच्चे को बताई हुई है, जनरली मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको घर पे कौन सी मेडिसिन है जो जरूर रखनी है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें से एक पैरासिटामोल भी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बच्चे को एकदम सूदन अप कर देती है, बच्चे को आराम देती है, बच्चे के शरीर में अगर कहीं पर कोई दर्द वगैरह भी होता है उसमें भी आराम देती है और साथ ही साथ बच्चे को जो बुखार है उसमें भी आराम देती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है, अब बच्चा है, बच्चे की नाक बह रही है, बच्चे की नाक बार बार ब्लॉक हो जा रही है, रात के टाइम ब्लॉक हो जा रही है, बच्चा सो रहा है तो ठीक से आप सो नहीं पा रहा है, बार बार रो रहा है, उठ रहा है, सोता नहीं है, आपको लग रहा है कि बच्चा जब सांस ले रहा है तो कुछ आवाज़ आ रही है और जब आप देख रही हैं तो बीच बीच में नाक भी बह रही है, बच्चा बार बार हाथ से अपनी नाक को खुजला रहा है साइड के एरिया में, इस तरह से कर रहा है तो बच्चे को वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, इचिंग जैसा है, थोड़ी खुजली है, बच्चे को हो सकता है गले में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो, थोड़ी इचिंग फील हो रही हो, जैसे हल्का सा दर्द होता है इस तरह का फील हो रहा हो, तो इसके लिए मैं एक मेडिसिन आपको बोलूंगी, एलेक्स प्लस के नाम से आती है, आप वो ले सकती हैं एलेक्स प्लस के नाम से, ठीक है। उसमें आपको क्या होता है कि उसमें एक नेजल डीकंजेस्टेंट है जो बच्चे की नाक वगैरह की इस तरह की चीज को ठीक करता है और एंटी एलर्जिक भी है उसके अंदर, तो वो एंटी एलर्जिक होने की वजह से जो भी एलर्जी वाले सिम्टम्स बच्चे को आए हुए हैं उनमें भी बच्चे को बहुत रिलीफ देता है। तो इन सारी चीजों में आप बच्चे को वो मेडिसिन दे सकती हैं। उसके बाद अगर बच्चे की नाक में किसी तरह की मतलब आपको ऐसे लगे कि पपड़ी जैसा जम गया है या कुछ चीज जमी हुई है, तो उसके लिए जो बच्चे की नॉर्मल नेजो सेलाइन ड्रॉप्स आती हैं, नेजो क्लियर के नाम से आती है बेसिकली, वो क्या होती है, नॉर्मल जो है NaCl का पानी होता है, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड का पानी होता है, तो उसमें आप वो वाली बच्चे के लिए ला के रख सकती हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो प्लेन वाली लाइएगा, कॉम्बिनेशन में मत लाइएगा। तो जो नॉर्मल आपकी नेजो क्लियर ड्रॉप्स आती हैं आप उन्हें ले आइए, उसको आप जो है बच्चे को कैसे देना है अभी हम आगे डोसेज वगैरह की बात करेंगे, अभी हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है आप बच्चे को, जो इनफैक्ट मेडिसिन नहीं है, वो एक तरह का जो रब वगैरह आते हैं बच्चों के लिए जो आते हैं, आपका विक्स का बेबी रब आता है या और कंपनीज के भी ब्रीद इजी रोल ऑन्स वगैरह आते हैं, जैसा बड़ों के लिए विक्स होता है वैसे ही बच्चों के लिए जो आते हैं आप उन्हें ला के रखिए, बच्चे के पैर पे जो तलवे हैं वहां पे लगा दीजिए, बच्चे को 10 मिनट के लिए सॉक्स पहना दीजिए, बच्चे की छाती पे लगा सकते हैं, बैक पे लगा सकते हैं, बट कभी भी बच्चे की नाक पे मत लगाइए, तो इन चीजों से बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। तो अब ये सारी जो चीजें हैं इनको मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ और दूसरा बता देती हूँ कि डोसेज में हम कैसे बात करें, किन किन चीजों की बात करें, तो वो अभी आगे हम चेकआउट करते हैं वीडियो में। एलेक्स प्लस में मेनली क्या है, नेजल डीकंजेस्टेंट है और एंटी एलर्जिक है, तो बच्चे की नाक वगैरह जो बंद है, बच्चे की नाक बह रही है उसमें आराम देती है, बच्चे को जो छींके आ रही हैं या बच्चे को खुजली जैसा खराश जैसा लग रहा है नाक में गले में उसमें आराम देती है। जो अगली मेडिसिन है वो बेसिकली नेजो क्लियर ड्रॉप्स हैं, इस तरह की आती हैं, ये बच्चे की नाक में डालनी होती है और जिस जो हमने पहले एलेक्स प्लस की बात की है ये बच्चे को खिलानी होती है, ओरल होती है ये, और जो ये नेजो क्लियर है ये बेसिकली बच्चों की नाक में डालनी होती है। कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, सबकी डोसेज के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। जो नेक्स्ट है वो इस तरह के रब्स आते हैं जो बच्चे को आप लगा सकते हैं इजीली, ये ऐसे आपको खोलना होता है
और ये देखिए ये इस तरह के रब्स है, जस्ट बच्चे के इस तरह आप बॉडी पे लगा दीजिए, जहां पे भी लगाना है, पैरों पे, गले पे, ठीक है। बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि जो बड़ों वाले रब्स आते हैं वो बच्चों के लिए हार्ड हो सकते हैं, इतने सूदन अप नहीं होते। आप सोचिए छोटे बच्चे को इतना हार्ड विक्स लगा रहे हैं तो बच्चे को उससे दिक्कत हो सकती है, तो आप बच्चों वाले ही लाइए, किसी भी कंपनी के ला सकते हैं, ये ममा अर्थ का है। तो चलिए अब डोसेज की बात कर लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें एलेक्स प्लस की, तो एलेक्स प्लस में नेजल डिकंजेस्टेंट है, एक एंटी एलर्जिक है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है या 6 महीने तक की है, तो आपको ये बेसिकली 0.3 ml देनी है दिन में बच्चे को 3 बार। और अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा है, तो ये आपको बच्चे को 0.6 ml देनी है दिन में 3 बार। ये बात याद रखिए, 6 महीने से कम है बच्चे की उम्र तो 0.3 ml, और 6 महीने से ऊपर है तो 0.5 ml बच्चे को दिन में 3 बार देनी है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी बेसिकली नेजोक्लियर की बात हो रही है। जो नेजोक्लियर है ये आपको नाक में डालनी होती है, तो ये आपको बच्चे को कैसे देनी है कि आपको बच्चे के एक नॉस्ट्रल में डालना है 2 ड्रॉप, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट रुकना है और दूसरे नॉस्ट्रल में डालना है 2 ड्रॉप। एक साथ दोनों नॉस्ट्रल में मत डालिए, बच्चे को चोक जैसा फील हो सकता है, सफोकेटिंग फील हो सकता है, तो आप पहले एक में डालिए, थोड़ी देर वेट कीजिए और बच्चे के दूसरे नाक में डालिए। तो अब हम वीडियो में देख चुके हैं कि हमें किस कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम बच्चे को दे सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो जो पैरासिटामोल है वो एक ऐसी दवाई है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को बुखार भी नहीं है आप जबरदस्ती पैरासिटामोल देते रहें। बच्चे को टेम्परेचर चेक कीजिए, बच्चे को बुखार है तो जितना पीडियाट्रिशियन ने बोला है उसी के हिसाब से दीजिए। और बेटर रहेगा कि कोई भी मेडिसिन बच्चे को देने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बच्चे को कोई भी बीमारी हुई है तो उसमें डॉक्टर ने पहले कभी अगर एंटीबायोटिक दी होती है तो पेरेंट्स के पास वो रखी होती है और पेरेंट्स क्या करते हैं उसको बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया पे काम करती हैं, और बच्चों की जो मोस्टली ये नॉर्मल कोल्ड वगैरह होते हैं या बच्चे को जो नॉर्मल मोस्टली जो बीमारियां होती हैं वो वायरल होती हैं, बच्चों वाली जो बीमारियां हैं मोस्ट ऑफ दी जो डिजीजेस हैं, तो उनमें आपकी जो एंटीबैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया पे काम कर रही है वो वाली मेडिसिन जनरली काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो अननेसेसरी बच्चे को एंटीबायोटिक्स मत दीजिए। आप जब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज करते हैं बच्चे को एंटीबायोटिक्स के लिए, तो उसकी बॉडी रेसिस्टेंट हो जाती है एंटीबायोटिक के लिए, और जब एक्चुअल में बच्चे को उस दवाई की एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी बॉडी उस ट्रीटमेंट लाइन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो एरिथ्रोमाइसिन है या इसके अलावा और जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं वो पेरेंट्स ऐसे ही दे देते हैं, इनफैक्ट खुद भी लेते रहे हैं तो वो बच्चों को भी दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चों की जो बीमारियां हैं उनको ठीक होने में टाइम लगता है, 5 दिन 7 दिन लग सकते हैं कि बच्चे की नाक बहती रहे, बच्चे को थोड़ा नोज ब्लॉकेज जैसा फील हो, लेकिन जो दवाइयां मैंने बताई हैं आप इनको नॉर्मली यूज कीजिएगा तो बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। फिर भी मैं दोबारा बोलूंगी कि अगर पॉसिबल है तो एक बार बच्चे को कोई भी दवाई देने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। कभी कभी कोई मेडिसिन किसी किसी बच्चे को सूट नहीं करती है। तो आई होप इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बात कर ली है कि बच्चे की जब नाक बहने की दिक्कत होती है, जब उसकी नाक ब्लॉकेज हो गई है, जब उसको सर्दी हो गई है, तो कौन कौन सी दवाइयां स्पेसिफिकली हमें देनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कोई क्वेरी है कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप अपना लव अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके। सो थैंक यू सो मच।